2022 वाली थार है ना, 2020 वाली भैया की थार है। इसके अंदर इन्होंने हेडलैम्प अपग्रेड कराई है आफ्टर मार्केट वाली। ये देखो ये वाली है, और उसका ना ये जो शार्पनेस है DRL का बहुत ज़्यादा इफेक्ट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड कर रहा है। और इसमें हाई बीम के साथ ऑप्शन है, प्लस डबल प्रोजेक्टर लैम्प है इसमें, एक हाई का एक लो का। और इसमें ना इन्होंने रेंगुलर टाइप की रूबिकन वाली जो ग्रिल होती है वो भी अपग्रेड कराई है। और इसमें फोग लैम्प प्रोजेक्टर भी लगवाई है इन्होंने, ये प्रोजेक्टर। और DRL भी आफ्टर मार्केट लगवाई है ना आपने, DRL भी आफ्टर मार्केट लगवाई ना ये वाली, ये भी आफ्टर मार्केट है। प्लस इसके अंदर इंडिकेटर भी फ्लैश होता है, एक बार भैया इंडिकेटर फ्लैश कर देना, आफ्टर मार्केट भैया इंडिकेटर भी फ्लैश कर दो एक बार भाई, इंडिकेटर फ्लैश कर देना, चारों जलाना। हाँ जी, ये देखो इसमें ना मैट्रिक स्टाइल में इंडिकेटर जल्दी है, इसका ये ग्रिल भी चेंज कराया है। हाँ, ये थार रेंगलर वाली है ना, रेंगलर रूबिकॉन वाली ग्रिल है। और इसकी टेल लैंप भी अपग्रेड कराई है अपने, और अलॉय व्हील भी देखो इसका अपग्रेड है, इसके सीट वाले इसमें टायर इन्होंने अपग्रेड करवाए हुए। और प्रोफाइल भी बड़ी हुई है ना इसकी, यस प्रोफाइल बड़ी है, प्रोफाइल इसकी बढ़ा रखी है, दिखाता हूँ इसका 255/65R18 ठीक है। और सीट के टायर लगवाए हुए, और इन्होंने लगवाए हैं ये इसके, ये स्टैलियंस के है ना इसके अलॉय व्हील, ये वाले अलॉय व्हील है इसके, बहुत ही शानदार लुक है इसका। और रियर लुक दिखाया तो एक बार, टेल लैंप अपग्रेड कराइए तो टेल लैंप इसकी वही है जो कंपनी से स्टॉक आती है। और इसमें इन्होंने लगवाया ये वाला पार्किंग रियर रिफ्लेक्टर, और इसमें देखो 5 स्टपनी देते हैं यार, क्या बात है, 5 स्टपनी चाहिए बे, 5 स्टपनी दी है इसमें, मतलब कि 5 मतलब कि अलॉय व्हील, क्योंकि 4 ही आते ज़्यादातर। अच्छा जी, ये अच्छा लगा इसमें, मतलब कि मैंने ना सब ये इस चीज़ से इंस्पायर हो गया, क्योंकि ना इसमें 5 अलॉय व्हील दे रखे हैं। ये देखो एक ये हो गया, और एक ये वाला अलॉय व्हील हो गया, 4 तो होते ही है, और 5वां स्टपनी में भी दे दिया, सबसे खासियत अच्छी बात ये वाली है ठीक है भैया। बाकी ना आप मेरे को बता दो आपका जो भी है, मैं आपको उसमें कर दूंगा। तो कैसे मतलब, मतलब आपका जो भी आईडी वाईडी है। अच्छा आईडी आप भी इंस्टाग्राम आईडी है ना। हाँ जी, हाँ जी, इंस्टाग्राम पे है मेरा, रविराज यादव करके है। हाँ जी ठीक है, और उस पर आप डाल दो। वैसे गाड़ी कैसी लगी आपको भैया? मेरे को तो, मैं तभी तो दूर से रुक गया मैं, कि मैं पहले बनाता नहीं था, ऐसा कोई रुकता थोड़ा ना कोई। आप लोग देखा होगा ऐसा कोई किसी को गाड़ी भाई, मैं एक्चुअली झांसी से आए हम लोग। हाँ जी, हाँ जी, बड़े मतलब उससे आए थे, तो मैंने सारी अपने हिसाब से सारी चीज़ें मॉडिफाई कराई है। ये भी आफ्टर मार्केट डलवाई है, ये भी हाँ, ये रिफ्लेक्टर होता है ना, ये रिफ्लेक्टर होते हैं इसमें भी। और इसमें GVN वाली ये डलवाई है, AC की वाली, AC एयरबैंड। हाँ, इसमें एम्बियंट लाइट भी जलती है, इसमें AC एयरबैंड खुल गए, इसमें AC एयरबैंड भी अपग्रेड कराया हुआ, जो रूबिकॉन और रैंगलर में लग के आते हैं आफ्टर मार्केट। और चारों तरफ है, एक राइट साइड में भी और दो फ्रंट पे, ये वाले सेंटर में, और एक ये वाला हो गया। और म्यूजिक सिस्टम भी अपग्रेड कराया हुआ कुछ नहीं? ठीक है, और एम्बियंट लाइट नहीं लगाई है ना, चलो कोई नहीं, ये भी बहुत है। और इसमें 1.5 पेटी खर्च हो गया हमारा, 1.5 पेटी इसका हो गया, और 50,000 का तो 2 लाख रुपये खर्च हो गए। ये जो अलॉय व्हील है ना, कम से कम मेरे ख्याल से 1 लाख के तो यही है, 1.5 लाख। हाँ, विद टायर है ना, तो विद टायर कम से कम इसके समझ लो कि ये वाले 1.5 है ना, 1.5 मतलब कि 1.5 लाख के तो इसके टायर और स्टपनी है, मतलब 1 लाख के तो अलॉय व्हील है, और 50,000 का टायर। टायर इसका अलॉय व्हील का नाम क्या था वैसे? वैसे ना, स्टाइलिशन के अलॉय व्हील है, एक बार देख लो दोबारा। 5 साल की इसकी वारंटी भी है, 5 ईयर्स की वारंटी, क्या बात है। ये देख लो यार इसको एक बार प्रोफाइल साइड से, बहुत ही ज़्यादा क्लासिक लग रही है। मैं तो दूर से आ रहा था, मेरे को तो राय नहीं किया, मैंने सोचा एक बार बात कर लेता हूँ भैया से, तो उन्होंने मना नहीं किया पर बनाने दिया। अरे नहीं भाई बनाओ, एक बार इसकी हेडलाइट और देख लो एक बार भैया, लो बीम ऑन करके हाई बीम करना।